आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कॉटन के कुर्ता या सूट डिजाइंस जो कि हमने रिसेंटली बनाए हैं, यानी कि जून के फर्स्ट 2 वीक्स में हमने इन पैटर्न्स को क्रिएट किया है। ये डिजाइन सिंपल कॉटन फैब्रिक्स में से हमने बनाए हैं। आपको मार्केट में ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स मिलते हैं, कैम्ब्रिक के प्रिंट्स हैं, डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स हैं, उनमें से आप इजीली इनको क्रिएट कर सकते हैं। द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि आपको आइडियाज मिल सके अगर आप अपने लिए सूट्स या कुर्ता सेट्स को कस्टमाइज करवा रहे हैं, कौन से मिनिमल डिटेलिंग्स आप करवा सकते हो, कौन सी चीजें इन ट्रेंड है, कौन से नए ट्रिम्स मार्केट में आ रहे हैं। इन वीडियोज में हमारी जो भी वीडियोज में हम अपनी कलेक्शन को शेयर करते हैं, वहां से आपको इन सब चीजों के आइडियाज मिल सकते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको पसंद आए तो याद से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहला जो फैब्रिक है ये हमने सोर्स किया है राजस्थान से। वहां पे आपको इन तरीके के कॉटन फैब्रिक्स जिन पे ब्लॉक प्रिंटिंग की गई होती है बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं। हम यूजुअली हमारे जो भी ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स होते हैं या फिर इस तरीके के ट्रेडिशनली प्रिंटेड कॉटन है वो हम राजस्थान से सोर्स करते हैं। तो हमारे क्लाइंट के लिए हमने इस फैब्रिक को मंगवाया जिसमें से उन्होंने एक स्ट्रेट कुर्ता बनवाया है। इस फैब्रिक के साथ जो बॉर्डर्स आए थे उनको इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज कुर्ता बॉर्डर्स यानी कि कुर्ता बॉर्डर्स की तरह यूज करने की बजाय हमने उन बॉर्डर्स में से कॉलर क्रिएट किया है और बाकी का जो बॉर्डर था उसे स्लीव्स पे यूज कर लिया है। इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए हमने इस कुर्ता के फ्रंट पे वुडन बटन्स को ऐड किया है। नेक्स्ट हमने एक सेम डिजाइन में से दो डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किए हैं दो डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। सबसे पहले जो है वो एक स्ट्रेट कुर्ता एंड पैंट सेट है जिसपे हमने लेस डिटेल्स दी हैं नेक लाइन पे। लेस के साथ साथ हमने थिन सिल्वर गोटा लाइंस भी यहाँ पे एड ऑन की हैं। कॉटन के ऊपर अगर आप गोटा की एक दो लाइंस भी ऐड कर देंगे तो वो एक नेसेसरी ब्लिंग भी देता है और ये जो गोटा का ब्लिंग या शाइन है ये डिजाइन को बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं करता। हमने एक ब्रॉड इंसर्शन लेस पैटर्न क्रिएट किया है इसकी स्लीव्स के ऊपर। अब ये एज इट इज एक ब्रॉड लेस नहीं थी, हमने डिफरेंट पतली लेसेस को ज्वाइन करके इस पैटर्न को क्रिएट किया है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इंट्रिकेट मेश इफेक्ट्स को क्रिएट करने का स्लीव्स के ऊपर। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितनी भी लेसेस को ज्वाइन करके इस तरीके का मेश इफेक्ट बना सकते हैं। स्लीव्स के एंड में हमने पर्ल वर्क की लेस को अटैच किया है जिसके जो एजेस हैं वो स्कैलप्ड हैं। इसके साथ हमने एक सॉफ्ट मलमल दुपट्टा को पेयर किया है और उसके साथ में हमने थिन किनारी लेस को ऐड किया है। बिकॉज इसके कुर्ता के ऊपर इनफ लेस डिटेल हो चुकी है इसीलिए इसके दुपट्टा को बहुत ही बेसिक सिंपल रखा है। जो सेकेंड डिजाइन है वो एक कलीदार है जिसका फ्लेयर मीडियम है। ये कलीदार बिना योक के है यानी कि इसकी जो कलीज हैं वो शोल्डर से ही स्टार्ट हो जाती हैं, इसमें योक या वेस्ट का फिट नहीं होता। इसकी नेक लाइन पे अगेन हमने लेस वर्क किया है और गोटा वर्क किया है। Thank you.
इस डिजाइन या इस कुर्ता में यूज की गई सबसे अच्छी ट्रिम है इसके नेकलाइन के सेंटर में ये पर्ल वर्क। सेम चीज हमने सेम डिटेलिंग इस कुर्ता की स्लीव पे भी दी है। इस कुर्ता का दुपट्टा भी बेसिक मलमल दुपट्टा है, सिंगल कलर में है और इसकी किनारी पे हमने सिल्वर गोटा को ऐड किया है। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये आइडियल है ऑफिस गोइंग वुमेन के लिए। इसमें एक्सटेंडेड कॉलर है और उसके साथ हमने पोटली बटन की डिटेलिंग्स दी हैं। इसको हमने पेयर अप किया है स्ट्राइप्ड पैंट्स के साथ और इसका जो दुपट्टा है अगेन प्लेन मलमल दुपट्टा है और पैंट का जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उसका इस्तेमाल हमने दुपट्टा के बॉर्डर्स बनाने में किया है। लास्ट जो कुर्ता है ये फ्लेयर्ड कुर्ता है। इसका जो फ्लेयर है उसको प्लीटिंग की टेक्निक से क्रिएट किया है। इकत फैब्रिक का कुर्ता है ये। इसमें आप दो ट्रेडिशनल फैब्रिक्स को देखेंगे। कुर्ता का फैब्रिक इकत है और इस कुर्ता का जो बॉर्डर है उसका फैब्रिक अजरक है। इस कुर्ता की नेकलाइन एक बेसिक वी नेकलाइन है एंड एल्बो स्लीव्स हैं। आप चाहे तो इस डिजाइन को एज अ कुर्ता कैरी कर सकते हैं या फिर एज अ ड्रेस भी कैरी किया जा सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे डिजाइन्स ऐसे लोगों के लिए जिनको मिनिमल डिजाइन्स पसंद है, एफर्टलेस डिजाइन्स पसंद है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके लिए कंफर्ट रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप ईयर अराउंड कॉटन्स को पहन सकते हो बिकॉज ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटिंग कि आप किस तरीके की प्रिंटेड कॉटन को खरीद रहे हो ये काफी ड्यूरेबल भी होता है। सो आई होप ये यूजफुल था आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।